हेलो एवरीवन, मैं रानू आपके अपने चैनल टेनी मॉम्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है जिद्दी बच्चे को कैसे समझाएं। अगर आपका बच्चा जिद्दी है तो आपको क्या करना चाहिए, जिद्दी बच्चे को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आज इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को आगे देखते रहिए। आज का सवाल है जिद्दी बच्चे को कैसे समझाएं। जिद्दी है बच्चा तो क्या करेगी ट्रेनी मॉम्स। हम माओं की सबसे बड़ी परेशानी है कि हमारा बच्चा जिद्दी हो गया है, हमें क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि बच्चा जिद्दी कब बनता है, बच्चा जिद कब करता है। बच्चा जिद तब करता है जब उसको कोई चीज की जरूरत होती है, उसे कोई चीज चाहिए होती है और हम उसे वो चीज नहीं देते हैं, तब बच्चा जिद करता है। तो हम क्या करते हैं जब बच्चा जिद करता है, तो हम कहते हैं नहीं, तुम्हारी जिद नहीं चलेगी, तुम्हें ये चीज की जरूरत नहीं है तो तुम्हें ये चीज नहीं मिलेगी। हम ऐसा करते हैं तो बच्चा और जिद करने लगता है, जबकि हमें क्या चाहिए। जिस समय बच्चा जिद कर रहा होता है उस समय हमें चाहिए होता है कि हमें पेशेंस रखना है, हमें बच्चे को डाइवर्ट करना है। बच्चों का मन बहुत ही नाजुक होता है, हमें बच्चे के मन को बस डाइवर्ट करना होता है। हमें क्या करना है, बच्चा जब जिद कर रहा है तो हम उसको कहेंगे ओके, हम तुम्हारी ये चीज तुम्हें चाहिए, हम तुम्हें ये चीज करवाते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, जाओ पहले आप ये काम करके आओ। कई कोई भी काम दे सकते हैं उसे, एक्टिविटी का, पढ़ाई का, कोई भी काम दे सकते हैं हम कि ये काम करके आओ, उसके बाद हम तुम्हारा ये काम पूरा करेंगे, उसके बाद हम तुम्हें ये दिलवाएंगे। तो बच्चा क्या होगा उस समय, वो काम करने चला जाएगा तो उस समय, और उस समय में उसकी हाइपरनेस थोड़ी कम हो जाएगी। और जब वो हाइपर कम हो जाएगा तो हम उसे आसानी से समझा सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, बच्चे को से इमोशनल अटैचमेंट बनाना चाहिए। बच्चे से इमोशनल अटैचमेंट किस प्रकार बना सकते हैं, बस अपने दिन के, डेली दिन के 15 मिनट बच्चे को दे दीजिए। वैसे तो हम बहुत सारा दिन का, काफी टाइम बच्चे के लिए ही देते हैं, हर पेरेंट्स यही कहेंगे कि हमारा तो पूरा टाइम बच्चे में ही जाता है, हम तो पूरे दिन बच्चे में ही लगे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, वो तो हम हर माँ बाप का कर्तव्य है, हर माँ बाप का अधिकतर टाइम अपने बच्चे में ही निकलता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सुबह के 5 मिनट, दोपहर के 5 मिनट और शाम के 5 मिनट, ये क्वांटिटी नहीं सिर्फ क्वालिटी टाइम बच्चे के लिए चाहिए। इससे हम उसे 15 मिनट में इमोशनल अटैचमेंट बना सकते हैं। और जब बच्चे से हम इमोशनल अटैचमेंट बना लेंगे तो हमारी बात को बहुत आसानी से समझेगा। केयरिंग, शेयरिंग एंड डेयरिंग। सुबह के जो 5 मिनट होते हैं वो होते हैं केयरिंग। अब हमारा बच्चा सुबह में सो रहा है, अधिकतर माएं क्या करती हैं, अधिकतर माएं, अब हमारे समय में भी हमारी माँ भी ऐसे ही करती थी, हम सो रहे हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, माँ आती हैं, उठ जा स्कूल का टाइम हो रहा है, कुंभकर्ण कब तक सोएगा ये बच्चा। अब बच्चा क्या होगा, रजाई और ज्यादा खींच लेगा और कहेगा अरे मम्मा का तो रोज का ही काम है ये, मम्मा तो ऐसे ही करते रहते हैं, मुझे सोने दो। तो ऐसे नहीं चलेगा, हमें क्या चाहिए, जो सुबह के 5 मिनट होते हैं वो बच्चे को, पूरी रात से बच्चा सो के उठा है, सुबह सुबह जब हम उसे बहुत सारा अफेक्शन लगा प्यार देंगे तो वो हमसे बहुत ज्यादा इमोशनली टच में आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, सुबह को उसके पास आके लेट जाना चाहिए और उसको प्यार की झप्पी देनी चाहिए, धीरे धीरे उसको सहलाना चाहिए, उसकी नींद अपने आप हल्की हो जाएगी। जब नींद हल्की हो जाएगी तो हम उससे बोल सकते हैं कि बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया, आपको तैयार होना है। अच्छा, आराम से तैयार हो जाएगा, उसकी नींद भी अच्छे से खुल जाएगी। और दोपहर के जो 5 मिनट होते हैं वो होते हैं शेयरिंग। दोपहर में बच्चा आया, आ गए स्कूल से, चलो अपना बैग वहां रखो, ड्रेस वहां उतार के रखो और खाना खाने बैठो। खाना खान जब बच्चा खाना खाने बैठ जाएगा, खाना लगा के दे देंगे और फिर उसके बाद कहेंगे चलो होमवर्क करो या फिर खेलने का टाइम है तो जाओ खेलने जाओ। ऐसे नहीं चलेगा, अब समय बहुत चेंज हो गया, चेंज इज द कॉल ऑफ नेचर, अब समय बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जो दोपहर के 5 मिनट हैं वो शेयरिंग मिनट्स होते हैं हमारी लैंग्वेज में, हमें क्या करना है उन 5 मिनट्स में बच्चे के साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है, उसके अंदर की बातें निकालनी है, उससे अपने फ्रेंडशिप बॉन्ड बनाना है ताकि बच्चा हमसे हर बात शेयर कर सके। स्कूल से बेटा बच्चा आएगा, हम कहेंगे बेटा चलो अपनी बुक्स, बैग, ड्रेस चेंज कर लो और
फ्रेश हो लो, उसके बाद हम खाना लगाएंगे, साथ बैठ के बच्चे के डाइनिंग टेबल पर खाना खाएंगे, और खाते खाते उससे पूछेंगे जब बच्चा स्कूल से आता है तो, क्या आपने कभी ये चीज पूछी बच्चे से कि बच्चा आज स्कूल में आपका कौन सा मोमेंट ऐसा आया जिसमें आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? नहीं ना, तो आज से पूछना शुरू कर दीजिए। हमें क्या करना है, हमें बच्चे जब बच्चा स्कूल से आए हम उससे पूछेंगे, बेटा आज स्कूल में कौन सा ऐसा क्षण आया, कौन सा ऐसा मोमेंट आया जब तुम्हें ऐसा लगा वाओ अमेजिंग, तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी मिली। और लास्ट के जो 5 मिनट होते हैं रात के, नाइट के, वो होते हैं डेयरिंग। रात को हम बच्चे के साथ लेटेंगे, बच्चे को कुछ डेयरिंग स्टोरी सुनाएंगे ताकि वो डेयर बने, कुछ अच्छा करे। बस ये 15 मिनट देकर हम अपने बच्चे को इमोशनल अटैचमेंट तो बढ़ा ही सकते हैं और अपने बच्चे को जैसा हम बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। बहुत छोटा होता है बच्चा तो वो कुछ नया काम करता है, कुछ काम करने लगता है, तो हम उससे कहते हैं डोंट डू बेटा, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डोंट डू, डोंट डू, डोंट डू कह के हम उसको डोंट डू बना देते हैं। और जब वो बड़ा होता है तो हम उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो कुछ क्रिएटिव करे, कि ये तो कुछ क्रिएटिव नहीं करता है, भीड़ में चलता है, जिधर को सब चलते हैं उधर को चलता है, कुछ नया करने की कुछ, हमने उसे कुछ नया करने ही कब दिया, हमने डोंट डू, डोंट डू, डोंट डू करके उसको डोंट डू बना दिया। यू कान डू दिस, यू कान डू दिस, यू कान डू दिस, कान डू, कान डू, डोंट डू, कान डू बना दिया, तो अब वो कहाँ से क्रिएटिव करे, हमने ही तो उसे बनाया ऐसा। तो बच्चा क्या बड़ा होगा तो डायरेक्ट उसके अंदर हैबिट्स थोड़ी आएंगी, बचपन से ही तो आएंगी, और बचपन में हमने उसे विकसित होने नहीं दी, तो फिर बड़े पर हम अपेक्षा कर रहे हैं कि बड़े पर बच्चा क्रिएटिव हो जाए, बच्चा कैसे क्रिएटिव होगा, नहीं होगा इस तरह से। इसलिए हमें बच्चे के, हमें ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा ये काम करते पे कहीं इसे कोई हार्मफुल तो नहीं है ये चीज, ये कहीं गिर ना जाए, तो इसकी सेफ्टी का ख्याल रखना हमारा काम है और बाकी करना बच्चे का काम है। बच्चे को कुछ भी नया कर रहा है उसे करने दीजिए, बस सेफ्टी का ध्यान रखिए। बस मैं कहना चाहूंगी, आप एक स्टोरी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। दो माँ होती हैं, एक माँ का बच्चा आता है, वो माँ से कहता है माँ मैं खेलने जा रहा हूँ, तो माँ कहती है खेलने जा रहे हो लेकिन ध्यान रखना टाइम से घर आ जाना, और कपड़े गंदे नहीं करना, संभाल के खेलना, गिरना नहीं, ये मत करना, शैतानी नहीं करना, शिकायत नहीं आनी चाहिए। जब शैतानी नहीं करेगा, शिकायत नहीं आए, कपड़े गंदे नहीं करेगा तो खेलेगा क्या, बात तो ये है। अब दूसरी माँ होती है, दूसरी माँ का बेटा आता है उसके पास, कहता है मामा खेलने जा रहा हूँ, तो माँ कहती है ओके जाओ खेलने और अच्छे से खेलना, और जो भी खेल खेलो उसमें अपना 100% देना और बस। तो हमें किस तरह की माँ बनना है ये मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आपको कौन सी माँ बनना है, फर्स्ट नंबर की माँ या सेकंड नंबर की माँ? आप लोगों का जवाब होगा सेकंड नंबर की माँ। जी हाँ, तो हमें सेकंड माँ बनना है, फर्स्ट माँ नहीं। जमाना बदल रहा है, जमाने के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज की पेरेंटिंग में और पहले की पेरेंटिंग में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। तो मैं आप लोगों से इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।